मोहिनी किसी भी दूसरी दादी की तरह अपने पोतों से प्यार करती थी। जब उनके हस्बैंड ने अजय मेंशन किया तो उन्होंने टेबल पर नीचे देखा और लड़की के डॉक्यूमेंट्स को देखा। वह उन्हें ले गई और डिटेल्स पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें नीचे रख दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रतीक ने इतना घटिया काम कैसे किया? मोहिनी ने अपने गद्दार बेटे की ओर देखा। जाओ उसे फोन करो। फिर उसने अपने हस्बैंड की ओर देखा। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहिनी कितने गुस्से में थी। वह अपने एम्प्लॉइज को, अपने हस्बैंड और बेटे को इस तरह कभी भी देखने नहीं दे सकती थी। वह अभी भी उनकी रेपुटेशन की केयर करती थी। रमेश और प्रकाश ने राहत की सांस ली। प्रकाश जिंदल ने तुरंत अपने पिता के असिस्टेंट को कॉल किया और रमेश अपनी पत्नी के साथ कुर्सी पर बैठ गया। फिर मोहिनी ने उन्हें एक ग्लास पानी दिया। उनके केयरिंग एटीट्यूड ने रमेश जिंदल को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने भगवान को एक बार फिर धन्यवाद दिया ऐसी केयरिंग वाइफ के लिए। कुछ पल बाद प्रकाश और प्रतीक स्टडी रूम में आ गए। प्रतीक बहुत नर्वस लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या मैडम जिंदल अभी भी गुस्से में थी या नहीं। लेकिन उसकी रिलीफ के लिए मोहिनी ने केयरिंग वॉइस में पूछा, तुम्हें बाकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? प्रतीक थोड़ा हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, मैडम जिंदल, अजय सर ने दूसरे सर को मिस प्रिया के बारे में हर एक लिंक और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने अपने असिस्टेंट प्रेम को जिंदल परिवार में उन्हें उनकी वाइफ के रूप में रजिस्टर करने का भी ऑर्डर दिया। मोहिनी थोड़ा हैरान हुई। फिर कुछ सेकंड के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है मेरे अजय को समवन स्पेशल मिल गया है। फिर उसने कहा, लेकिन उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों डिस्ट्रॉय कर दी? रमेश जिंदल ने फाइनली अपना मुंह खोला, एक्चुअली में ये 10 महीने पहले हुआ था। धीरे धीरे उसने प्रिया की पूरी स्टोरी बताई। बीच बीच में प्रतीक और प्रकाश ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अंत में रमेश ने कहा, मुझे लगता है कि अजय उससे बहुत प्यार करता है और अपने पछतावे को कवर करने के लिए उसने उसके होने का सारा सबूत मिटा दिया। मोहिनी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। क्या आप अजय की पर्सनैलिटी को भूल गए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गलती कितनी भारी है। वो है जो पहले माफी मांगता है। वो झूठ बोलने में भी अच्छा नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना ऑनेस्ट है। अगर वो झूठ नहीं बोल सकता है तो क्या हुआ, फिर राजीव वहां क्यों है? क्या आपको लगता है कि छोटा शैतान कुछ नहीं करेगा? रमेश ने मजाक उड़ाया। मोहिनी की आंखें चमक गईं जब उसने अपने हस्बैंड को अजय को छोटा शैतान कहते हुए सुना। आप इस तरह से अजय को छोटा शैतान बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वो सबसे बड़ा लड़का है, मैं फ्यूचर में इसे टॉलरेट नहीं करूंगी, उसने अपने हस्बैंड को वॉर्न करते हुए कहा। रमेश ने सोचा, उसने अपनी दादी को भी नहीं छोड़ा। उसे अपने पिता की तरह औरतों को अपने कंट्रोल में करने वाला नेचर मिला है। जैसा बाप वैसा बेटा। प्रकाश ने अपने पिता को देखा। डैड जरूर मुझे और मेरे दूसरे बेटे को कोस रहे होंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। मोहिनी ने अपने हस्बैंड की ओर देखा। अगर आपको अजय के लिए वो लड़की पसंद है तो उसके पास्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ना? रमेश जिंदल की आंखें चमक गई। उसने टेबल पर हाथ फेरा और कहा, ये पूरी तरह से मेरे माइंड से स्लिप हो गया। यदि वो रियल में 3 साल पहले की लड़की है तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट की ओर देखा। प्रतीक, उसके डॉक्यूमेंट्स लाओ। यस बॉस। प्रतीक जल्दी से गया। लेट्स सी अजय ने क्या डिस्ट्रॉय किया है और इसके पीछे रीजन क्या है। रमेश ने कुर्सी पर झुककर अपनी आंखें बंद कर ली। 20 मिनट बाद वो अच्छी लड़की है। मोहिनी एग्री हो गई, वो बहुत अच्छी लड़की है। प्रकाश ने भी अपना सिर हिलाया। वास्तव में अजय की चॉइस परफेक्ट है। मेरी आंखें हमेशा अच्छी रही हैं, वो धोखा नहीं खा सकती। रमेश जिंदल खुश था लेकिन अचानक उसका मूड खट्टा हो गया। एक्सेप्ट कि वो उस आदमी को लाइक करती है। क्या आपको लगता है कि मेरे ग्रैंडसन से मिलने के बाद वो अभी भी अपने पास्ट क्रश को याद रखेगी? अजय के दिल और गुड लुक्स पर फेथ रखो। मोहिनी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट चली गई। लेकिन मुझे कहना होगा, उसका टेस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल है। वो उस जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है?
प्रकाश ने सोचा। सबसे अजीब बात है कि उस आदमी ने अजय की तरह अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एक साथ मिटा दिए। रमेश कुछ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने सोचा, थैंक्स टू हमारी स्पेशल इंटेलिजेंट फोर्स को, जिनकी वजह से हमें उनके पास्ट के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली। रमेश जिंदल को अपने एम्प्लॉयज पर प्राउड फील हुआ। अगर रमेश जिंदल के एम्प्लॉयज उनकी बात सुन लेते कि उनके बिग बॉस उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो लोग हवा में उड़ने लगते। दादी मोहिनी ने कहा, ये लड़की फुल ऑफ मिस्ट्री है। जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन से उसके फादर अब तक गायब है। अभी तक उसकी माँ की डेड बॉडी के बारे में भी किसी को पता नहीं चला था। और उसकी लाइफ में दो आदमी हैं, दोनों ने उसके एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश की। सबसे पेनफुल पार्ट ये है, लोग उसके चारों ओर खेल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। होप वो अजय के साथ अपनी न्यू लाइफ में खुश होगी। क्या हमें उनके बारे में जासूसी करनी चाहिए माँ? मोहिनी को देखते हुए प्रकाश ने पूछा, क्या आप अभी भी बच्चे हैं? हम अजय की लव लाइफ में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? क्या आप अभी भी बच्चे हैं? हम अजय की लव लाइफ में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? 3 साल के बाद वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे पाना उसके लिए इजी नहीं था। मोहिनी ने अपने बेटे पर नजर डाली। हम हालांकि उस पर नजर रख सकते हैं, रमेश ने डरते हुए कहा। हालांकि वो मैरिड है, जिस तरह से उसने प्रिया के साथ एक्टिंग की, उसने क्लियरली दिखाया कि उसने उसे इंटेंशनली हर्ट करने के लिए सब कुछ किया। हालांकि हम 100% श्योर नहीं है कि वो उसे छोड़ देगा। दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि वो जानता है कि वो मर चुकी है। ये उस आदमी को शक में डाल सकता है। मुझे अपने पोते पर यकीन है। आओ घर पर वापस बैठकर शो को एंजॉय करें, रमेश जिंदल ने कहा। आपने अजय के मामलों में पहले कभी ध्यान नहीं दिया? डैड बस ये एडमिट करें कि आपके पास एक बोरिंग लाइफ है और फाइनली आपको अपना टाइम पास करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिला। जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं अपने पोते के लिए वरीड हूँ, रमेश जिंदल ने जवाब दिया। हालांकि वो मेरा बेटा है, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत घातक है, उसने सोचा। फ्रांस में पेरिस को पैशनेट लव की फेमस सिटी के रूप में जाना जाता है। ये सिटी क्लासी और फैबुलस है, और पेरिस में रात में देखने के लिए गॉर्जियस साइट सीन है। इस डैजलिंग ब्यूटी में अजय जिंदल और अंजलि जिंदल साथ साथ चल रहे थे। अंजलि की पूरी बॉडी स्टिफ थी, क्योंकि उसके पार्टनर ने वॉक करते हुए उसके शोल्डर पर अपना बायां हाथ रखा था। वो बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। कई महिलाएं उन्हें देख रही थी, क्योंकि वे हैंडसम अजय को एडमायर कर रही थी और वे अंजलि से जेलस थी। अंजलि कुछ नहीं कर सकती थी, उसे ये पता नहीं था कि अजय ने उनके शोल्डर पर हाथ क्यों रखा था। कुछ समय पहले जब वे स्ट्रीट पर वॉक कर रहे थे, तो कुछ लोग उसकी वाइफ पर नजर गड़ाए हुए थे। कुछ ने उसे टच करने की कोशिश करने की भी हिम्मत की। तब से उसने दूसरों को ये बता दिया कि वह किसकी थी। अंजलि कार में उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रही थी। फिर वो अंदर ही अंदर बोली। उसने कहा कि ये एक डेट थी। उसने अपना सिर हिला दिया। फॉरगेट इट, अगर मैं इस तरह की बातों को याद रखती हूँ तो मैं इस व्यू को एंजॉय नहीं कर सकती। अजय ने नीचे देखते हुए उसके अडोरेबल फेस को देखा। वह उसे इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वो जानता था कि वह एग्जैक्टली में क्या सोच रही थी। वो मुस्कुराया और उसे पेरिस के सबसे फेमस शॉपिंग मॉल में ले गया। ये जिंदल कॉरपोरेशन के अंडर था, इसलिए जब वो मॉल में एंटर हुए तो सिक्योरिटीज ने उन्हें सैल्यूट किया और मैनेजर उनसे मिलने आए। तब तक पूरे मॉल को एक्सक्लूसिव न्यूज मिली, किंग अपनी क्वीन के साथ आए हैं। हर कोई ये जानना चाहता था कि कौन थी वह लकी लेडी। लेकिन अफसोस, अजय उसे कैजुअल ड्रेस सेक्शन में ले गया। अजय ने उसके लिए उसकी साइज की बहुत ड्रेसेस सेलेक्ट की और उनको ट्राई करने के लिए कहा। 10 ड्रेसेस ट्राई करने के बाद अंजलि ऑलरेडी थक गई थी, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं की। लेकिन अजय ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और उसे दूसरी ड्रेसेस ट्राई करने को नहीं कहा। अंजलि को बताए बिना उसने सारी 30 ड्रेसेस पैक करने का ऑर्डर दिया। वो लॉन्ड्री सर्च कर रही थी, लेकिन उसे बता नहीं सकी, क्योंकि वो शाय फील कर रही थी। जब अजय शू सेक्शन में गया तो उसने कुछ स्नीकर्स लिया, हाई हील के शू, सैंडल और फ्लैट शू भी लिए। उसने ड्रेसेस के कलर को याद करने की कोशिश की और उसी के अकॉर्डिंग शू से मैच किया। इस बार अंजलि ने देखा
उसने मैनेजर को 20 पेयर पैक करने का ऑर्डर दिया। वो तो आसमान में उड़ने लगी। उसने अजय को रोकने का ट्राई किया, लेकिन जब वह करीब गई तो उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कुछ लॉन्ड्री खरीदना चाहती हो? अंजलि एक स्टैचू बन गई और फिर अगले सेकंड में लाल हो गई। अजय अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए बहुत ट्राई कर रहा था। फिर पास में एक लेडीज स्टाफ को देखकर उसे अंजलि को लॉन्ड्री सेक्शन में ले जाने का ऑर्डर दिया। जब वो उन्हें ट्राई कर रही थी तो अंजलि ने प्राइस टैग को देखा। टैग में प्राइस पढ़कर वो शॉक हो गई और अंजलि अजय को देखने के लिए बाहर निकली। जब अजय ने अंजलि को ट्रायल रूम से बाहर निकलते देखा तो वो अपनी जगह पर ही जम गया। अजय अंजलि का वेटिंग रूम में वेट कर रहा था जब वो ड्रेसिंग रूम में थी। उसने मैनेजर को सब कुछ पैक करने का ऑर्डर दिया और वो कल के प्लान के बारे में सोचकर सोफे पर अकेला बैठा था। उस समय अजय बाहर निकला। उसने धीरे से अपनी राइट साइड देखा और अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। अजय के क्लोज आते ही अंजलि पैनिक नजर आई। वो बोली, अज्जू हम यहाँ से कुछ भी बाय नहीं कर सकते। सबसे सिंपल समरकोट की प्राइस 20,000 यूरो है। इफ समरकोट इतना कॉस्टली है तो शू ड्रेसेस स्कर्ट पैंट और शर्ट की प्राइस के बारे में सोचो। क्या तुमने प्राइस नहीं देखी? जिस तरह से वे हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं उसे देखते हुए तुमको इस मॉल का ओनर होना चाहिए। लेकिन मैं तुमको इस तरह की वैल्यूएबल थिंग्स नहीं खरीदने दे सकती। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ सेव करने के लिए आपको पे बैक भी नहीं कर सकती। अजय ने कुछ सेकेंड के लिए उसे देखा और जोर से सांस ली। उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली और सोचा, थैंक गॉड कि इस रूम में अभी कोई नहीं है। फिर उसने उसकी तरफ होपलेसली देखा। तभी उसे रूम के पास किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। अजय ने क्विकली अंजलि का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने कोट से कवर कर दिया। इससे पहले कि अंजलि कुछ सोचती, वो अजय की बाहों में थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत कम कपड़े पहने थे। ये सोचकर उसकी पूरी बॉडी कांप गई। वह अपनी बॉडी पर अजय के हाथों को फील कर सकती थी। वह उसके टच से दूर जाना चाहती थी, बट फिर मैनेजर रूम में आया। बॉस, क्या कुछ और भी है? मैनेजर अपने सेंटेंस फिनिश भी नहीं कर सका। वो सामने चल रहे सीन को देखकर रुक गया। उसने अपने बॉस को उसके साथ आई लड़की को हग करते देखा, यहाँ तक कि उनके फेस भी कवर थे कोट से। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, उसने सोचा और वो सर झुकाकर बोला, बॉस आई एम सॉरी, जब आप मुझे बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। मैनेजर के रूम से बाहर निकलने के बाद अजय ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने कोट हटाया और अंजलि को देखा जो उसकी बाहों में थी और कांप रही थी। अंजलि अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। उसके फेस को देखना उसके लिए बहुत एम्बैरसिंग था। हालांकि अजय इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एंजॉय कर रहा था। अजय अपनी आंखों के कांटेक्ट में आने वाले हर पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि उसके लिए अभी इस तरह की चीजें करना सही नहीं था, बट वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकता था। उसका दिल हैमर से उसे पीट रहा था। उसका ब्लड सर्कुलेशन सडनली क्रेजी हो गया था। वह उसकी बॉडी को टच करना चाहता था। वह उसे स्मेल करना चाहता था। वो उसे खो जाना चाहता था। वो उसकी नजरों को फील करती है। और फिर अंजलि जोर से शिविर करने लगी। उसी टाइम अजय अपने सेंस में वापस आ गया। अंजलि को शिविर करते हुए देख उसे बहुत पैन हुआ। वो सिचुएशन को लाइट बनाना चाहता था। मैंने सोचा कि तुमने कहा था तुम मुझसे 6 मंथ्स के बाद शादी करोगी, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती तो मैं समझ सकता हूँ। चलो अब शादी कर लेते हैं और कल हम मेरी फैमिली को देखने जा सकते हैं। तुम सेरेमनी कब चाहती हो? उसके शब्दों को सुनकर अंजलि की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि अजय की आंखें शरारत के साथ चमक रही थी। अंजलि फिर उससे दूर होकर चेंजिंग रूम की ओर भागी। अजय ने उसके जाने के बाद राहत की सांस ली। जिंदल मेंशन के रास्ते में उन्होंने चुप्पी साध ली। अंजलि अभी भी ब्लश कर रही थी और अजय से नजर चुरा रही थी जो उसके पास बैठा था। जितना वो उसे देखती थी उतना ही वो एम्बैरस फील कर रही थी, क्योंकि अजय के फेस पर स्माइल थी। हमेशा की तरह उनके आने के बाद उनके बटलर ने उनको ग्रीट किया। उसने पहले अपने सर और मैडम को देखा। अजय आज सूरत से भी ज्यादा चमक रहा था और अंजलि परेशान लग रही थी। श्याम उसके लिए सिंपैथी फील कर रहा था। वो जानता था कि जब वे बाहर गए तो उनके मालिक ने मैडम को परेशान किया होगा।
उसने जूलिया और सपना को अंजलि के कमरे में शॉपिंग बैग लेने के लिए बुलाया और दूसरों को डिनर प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। अंजलि ने शावर लिया और फिर डिनर के लिए नीचे गई। उसने एक शब्द बोले बिना ही खाना खा लिया। उसने अजय से आई कॉन्टेक्ट अवॉइड किया। उसने पूरा ट्राई किया कि कोई आवाज ना आए। दूसरी ओर अजय उसके एटीट्यूड को देखकर एंजॉय कर रहा था। वो फील कर रहा था कि जैसे वो एक खरगोश को चुपचाप खाते हुए देख रहा है। फिर उसे थोड़ा टीज करने का सोचा, बट उसने अपने विश को कंट्रोल कर लिया। उसने उसे ऑलरेडी इतना टीज किया था कि वो उसे देख भी नहीं सकती थी। अगर ऐसा चलता रहा तो वो फ्यूचर में फिर से उसके सामने नहीं आना चाहेगी। डिनर के बाद वो स्टडी रूम में गया और अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया। वो जानता था कि जैसे ही उसने अंजलि को अपनी फैमिली में रजिस्टर किया, उसके दादा उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसलिए उन्होंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया। बट अजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सेम लड़की थी जिसके बारे में उसके दादा को पहले से पता था और उन्होंने उसे अपनी फैमिली में शादी करने का ऑफर भी दिया था। सिर्फ वो जानता था। हालांकि उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने उससे अंजलि के बारे में कुछ नहीं पूछा और ना ही उन्हें उस लड़की से शादी करने के लिए फोर्स किया जैसे वो पहले किया करते थे। उन्होंने बस उसकी रीसेंट एक्टिविटीज और राजीव और करण के बारे में पूछा। अजय उनके एटीट्यूड से सरप्राइज था। तब उसे उनके बिहेवियर के पीछे का मैसेज अंडरस्टूड हुआ, जैसे कि वो कह रहे थे कि व्हाटएवर यू डू, यू हैव आवर सपोर्ट। अजय खुद पर स्माइल करता है, फिर अपनी चेयर से उठकर ऊपर चला गया। वो थर्ड फ्लोर पर खुद को रोक नहीं पाया, रादर वो ऊपर चढ़ गया, फोर्थ फ्लोर और ईस्ट विंग में गया जहां अंजलि रुकी थी। उसने पोलाइटली डोर नॉक किया। रूम के अंदर से कोई साउंड नहीं आने पर उसने स्लोली डोर ओपन किया। रूम थोड़ा ठंडा था और इससे अजय को रिलैक्स हुआ। उसने एयर कंडीशनर को देखा, वो ऑफ था। उसने रियलाइज किया कि अंजलि को फ्रीजिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, उसे नेचुरल विंड पसंद है, जैसे उस पूरे रूम में एक जेंटल ब्रीज बह रही थी। बालकनी और विंडोज दोनों ओपन थी जो रूम को ठंडा कर रही थी। अजय बेड के क्लोज चला गया और अंजलि के पास बैठ गया जो सो रही थी। वो गहरी नींद में थी। जिस दिन उसकी अनकॉन्शियस बॉडी इस मेंशन में आई थी, हर रात अजय अपने रूम में जाने से पहले उसका फेस देखने के लिए आता था। आज भी कुछ डिफरेंट नहीं है। उसने कामली उसकी ओर देखा, फिर वो हैरान हो गया। अंजलि डीप स्लीप में थी बट उसके फेस पर कुछ ट्रबल था। स्लोली उसकी आंखें तेज हो गई। अंजलि ने हैवीली ब्रीथिंग स्टार्ट कर दिया और अपनी बॉडी को ऐसे मूव किया जैसे वो अनकंफर्टेबल हो। अजय उसे टच करने को श्योर नहीं था। तब अंजलि के फेस पर अलग एक्सप्रेशन थे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अजय रुक गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो जानता था कि वो बुरा सपना देख रही थी, बट उसे नहीं पता था कि वो क्या देख रही थी। वो पागल हो गया था। जब वो कुछ नहीं कर सका तो उसने उसे हक किया और उसे रिलैक्स फील कराने के लिए उसकी बैक को पैट किया। कुछ टाइम उसने ऐसा किया और उसके राइट ईयर में धीरे से कहा, इट्स ओके, मैं यहाँ हूँ, अब और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धीरे धीरे वो शांत होने लगी और रिलैक्स फील करने लगी। अंजलि एक अंधेरी सड़क पर चल रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह खुद से बात कर रही है कि अगर वो आगे जाती है तो उसे रोशनी दिखाई देगी। वह अंधेरे से गुजरी और जैसा कि उसने सोचा था कि कुछ समय बाद उसे एक छोटी सी रोशनी मिली जो बाहर से आ रही थी। वह उस तरफ भागी। उसके सामने लकड़ी का भारी दरवाजा मिला जिस पे ताला नहीं था, इसलिए वह खुश थी। हालांकि जब उसने दरवाजा खींचा तो वह उसे एक इंच भी हिला नहीं पाई। उसने बार बार कोशिश की। उसने तब तक कोशिश की जब तक उसका दम नहीं निकला, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। वह मदद के लिए प्रे करने लगी। वह चाहती थी कि कोई ऐसा इंसान हो जो लाइफ की लाइट को देखने में उसकी हेल्प कर सके। जब उसने प्रे की तो उसे लगा कि कोई उसके हाथ को टच कर रहा है जो डोर के हैंडल को पकड़े हुए है। उसने देखा कि हाथ बड़ा वार्म और स्ट्रांग था।
हाथ के टच से उसे कंफर्टेबल फील हुआ। दोनों ने मिलकर डोर पुल किया और फाइनली डोर ओपन हो गया। अंजलि ने अपने सामने एक ब्यूटीफुल सीनरी देखी। यह बिग ट्रीज और अनजाने फ्लावर्स वाला एक फॉरेस्ट था। वह इस अट्रैक्टिव नेचर को देखकर डर गई थी। उसने एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा और सडनली वह उसकी नाक पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद वह उसके पीछे उड़ गई। उस पल में उसे वो याद आया जिसने उसकी मदद की थी। उसने तुरंत अपने पीछे देखा लेकिन किसी को नहीं देख सकी। अंधेरा भी गायब हो चुका था। उसे कंफ्यूजन हुई बट जैसे ही उसने फॉरेस्ट को देखा उसने वहां पर जाने का डिसाइड किया। कुछ दूर चलने पर ही उसे मीलों का एहसास हुआ। उसने सैकड़ों चेरी के पेड़ देखे। नर्म हवा में पेड़ों से फूल गिर रहे थे। ये सब इतना गॉर्जियस था कि अंजलि इसमें खो गई। वह उस पूरे नजारे को एंजॉय कर रही थी। जब उसने चेरी के पेड़ के नीचे एक अकेले इंसान को देखा तो वह उसके करीब चली गई। शायद उसके पैरों की आवाज सुनने की वजह से वह इंसान सडनली पीछे मुड़ा। अंजलि अपनी जगह पे रुक गई। उसने देखा कि एक हैंडसम आदमी उसे घूर रहा है। वह आदमी काफी फैमिलियर लग रहा था लेकिन बार बार जोर देने के बाद भी वह उसे याद नहीं कर पा रही थी। उस आदमी के चारों ओर एक ऑरा था। जो भी उसे देखता उसके सामने नील डाउन हो जाता। वो 6 फीट 1 इंच लंबा, गोरा रंग, काले बाल, भूरी आंखें, तीखी नाक और उसके बहुत अट्रैक्टिव लिप्स थे। अंजलि पहले कभी किसी के लिए ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई थी। जिस चीज ने उसकी आंखों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था वो थी उसकी भूरी आंखें। वो एकदम ब्लैंक और अकेली थी। अंजलि ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। तुम कौन हो? उस हैंडसम ने पूछा। जिस तरह से उसने पूछा उसे लगा जैसे वो एक किंग था जो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर दे रहा था। अगर ये कोई और होता तो वे इस तरह की आवाज को सुनकर कांप जाता। बट अंजलि डरी नहीं। उसे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वह उदासी से भरी अकेली आंखों से अपनी आंखें नहीं हटा सकती थी। वे अकेली आंखें एकदम ब्लैंक थी। वे लोगों से दूर रहना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था कि लोग उनके क्लोज हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें हर्ट होने का डर था। हालांकि उन्होंने अपनी प्रेजेंस को कमजोर रखा बट वे प्यार चाहते थे। उन्हें फ्रेंड्स चाहिए थे। वे विश करते रहे बट कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। अंजलि ने उसकी आंखों में गहराई देखी। उस आदमी को उसकी शार्प नजर से अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसे डर महसूस नहीं हुआ बट उसे लगा कि वह ट्रांसपेरेंट आंखें उसको ओपन बुक की तरह पढ़ सकती हैं। उसकी नजर की वजह से दूसरी ओर देखने लगा। उसकी परेशानी को देखते हुए अंजलि ने अपनी नजर हटा दी। फिर वह धीरे धीरे उसके क्लोज आ गई। उस आदमी ने उसके मूवमेंट को देखा और अलर्ट हो गया। उसकी बॉडी एकदम हार्ड हो गई और उसने उसे शक की नजर से देखा। मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? आप क्या चाहती हैं? और आप यहां क्यों हैं? उसने बहुत ध्यान से पूछा। अंजलि ने उसे देखकर स्माइल की। मैं प्रिया, मैं अपनी खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए यहां आई हूं। उस आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह पहले से भी ज्यादा रूड लग रहा था। शायद उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया लेकिन मैंने सच बोला, अंजलि ने सोचा। वो जानती थी कि उसे चला जाना चाहिए लेकिन वह नहीं जा सकी। वह उस अकेले आदमी का साथ चाहती थी लेकिन उस आदमी की एक अलग डिजायर थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके साथ रहे। उसने रूडली कहा, जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहते हुए वो पलट गया।
और उसे जाने देना चाहता था। हालांकि अंजलि का एक दूसरा प्लान था। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? उसने आंसर देने से मना कर दिया, बट जब उसने रियलाइज किया कि एक परेशान करने वाली लड़की उसका पीछा कर रही थी, तो वो अपनी ही जगह पर रुक गया। उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे फॉलो मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप चलने लगे और उस रूड आदमी ने तब से एक शब्द भी नहीं कहा। अंजलि बोर होना स्टार्ट हो गई थी, तभी उसने सडनली गन्स की आवाज सुनी। वो डर गई। उसने फील किया कि आवाज फैमिलियर थी, बट वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने ये आवाज पहले कहां सुनी थी। बट जिस मोमेंट उसने ये सुना, वो जानती थी कि ये बंदूक की आवाज है। आवाज के करीब आते ही वो पैनिक होने लगी। उसने देखा कि एक आदमी बंदूक को उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। वह हिलने से भी डर रही थी। तब अचानक वो आदमी उनके बीच आ गया और गोली उसे लग गई। अंजलि को लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उसने लड़के को हग किया। वे नदी के करीब थे, इसलिए वह उसे नदी के किनारे ले गई और अपने हाथों में थोड़ा पानी लेकर उसे पानी पिलाया। उसका खून बहता देखकर उसे लगा जैसे उसका दिल भी चीर दिया जा रहा हो। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकी और कहने लगी, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी। उस आदमी ने उसे देखा। उसके एक्सप्रेशन कह रहे थे कि वह पेन में था। उसने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वह उसे जताना चाहता था कि वो ठीक है। उस आदमी ने उसे देखा। उसके एक्सप्रेशन कह रहे थे कि वह पेन में था। उसने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वह उसे जताना चाहता था कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। उसने ये सब कहने की कोशिश की, लेकिन वो कह नहीं पाया। जब उसने अपने होंठ खोले तो खून निकल आया। अंजलि डर गई। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, प्लीज आई बेग यू, डोंट गो, डोंट लीव मी अलोन। इस बार उसने कुछ कहा, लेकिन आवाज इतनी कम थी कि अंजलि कुछ समझ नहीं पाई। इसलिए उसने अपना सर नीचे कर लिया और अपने कान को उसके होंठों के पास रख दिया। फिर उसने साफ सुना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, भले ही मुझे नरक जाना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर सब तरफ अंधेरा हो गया। अंजलि उस सपने से उठने के बाद बेचैन महसूस कर रही थी। वो रो रही थी और पसीना बह रहा था। तब उसे लगा कि कोई उसे गले लगा रहा है। उसे वो टच याद आ गया। ये पहले की तरह ही गर्म था। तब उसने उस आदमी को ये कहते हुए सुना, सब ठीक है, मैं अब यहां हूं, अब और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका दिल शांत हो गया। उसे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ। अंजलि ने सपने के बारे में सोचा, एक सुंदर सपना, पिछले वाले से बेहतर। उसने उसे गले लगाया। उसने देखा कि वो काफी हार्ड है, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। उसे खुशी हुई कि इस बार उस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया, उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने खुशी से कहा, थैंक यू। फिर वह गहरी नींद में चली गई। अजय ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करेगा तो वह उसे वापस गले लगाएगी। जब उसने उसे टच किया तो वो एक स्टैचू बन गया। वो सांस लेना भी भूल गया। जब वो फिर से सो गई तो उसके मन ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी डिजायर्स ने उसे जाने नहीं दिया। फिर से उसके मन ने ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा जिससे उसे रिग्रेट हो। तब उसकी डिजायर्स ने कहा कि ये उसके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अजय कंफ्यूज्ड था। वो सच में उसे जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपने मन की आवाज सुनी। धीरे धीरे उसने अपने सैंडल उतार दिए। फिर वह कंबल में लेट गया। वो उसके बगल में लेट गया और उसे अपने गले से लगा लिया। जब अजय ने उसका सिर अपने हाथ पर रखा तो अंजलि ने उसकी तरफ अपना मुंह किया और उसके गले लग गई। अब जब वो कंफर्टेबल फील कर रही थी, उसने उसे एक ब्यूटीफुल स्माइल दी। उसकी मुस्कान देखकर अजय का दिल दौड़ने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर उसे कंधे से लेकर पैर तक छू रहा था। उसने उसके शरीर को महसूस किया और जान लिया कि उसने बहुत कम कपड़े पहने थे। हो सकता है वो ये सोच रही है कि उसने पिलो को हक किया है। उसकी बॉडी रिलैक्स थी जब उसने उसे हक किया। अजय उसके टच को भूलना चाहता था, बट ये इतना इजी नहीं था। बिल्कुल नहीं। वह उसकी डिजायर फील कर सकता था और वो कुछ नहीं कर सकता। एक सॉफ्ट बेड, स्लेंडर बॉडी, वार्म टेम्परेचर उसके लिए उसकी लस्ट को दबा नहीं सकता था। अजय ने उसका स्लीपिंग फेस देखने के लिए नीचे देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ओनली दिस टाइम। उसने अपनी आईज ओपन की और स्लोली नीचे झुका। उसने सॉफ्टली अपने लिप्स उसकी फोरहेड पर रख दिए। वह थोड़ी देर के लिए उस पोजीशन में था। फिर उसने खुद को फोर्स किया उसके हगिंग पिलो रूप में सोचने के लिए और सो गया। अपने सपने में उसने देखा कि वह उस रात उसके साथ क्या करना चाहता था। वह उसके लाइफ टाइम में अब तक का सबसे अच्छा सपना था। जब अंजलि नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो उसे फ्रेशनेस फील हुई। उसने बालकनी के डोर की तरफ देखा, जहां से धूप कमरे की तरफ आ रही थी। उठते ही उसने अपने शरीर को घुमाया। वह फ्रेश होकर नीचे चली गई। वहां उसने अजय को सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। टेबल पर एक गर्म कॉफी का मग था। उसने रियलाइज किया कि वो बहुत देर से इंतजार नहीं कर रहा था। अंजलि ने उसे विश किया, गुड मॉर्निंग अज्जू। उसकी विश सुनकर अजय ने उसे देखा। उसके ग्लोइंग फेस को देखकर पिछली रात से अलग उसने राहत महसूस की। वो भी मुस्कुराया और ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग। जैसे ही अंजलि उसके पास बैठी, अजय ने उसे एक फैशन मैगजीन दी। उसने उसे थैंक्स कहा। उसे रिलैक्स देखते हुए अंजलि ने घड़ी की तरफ देखा। ये तो काम का समय था, तो उसने पूछा, अज्जू। अजय ने मुस्कुरा कर देखा, क्या हुआ? क्या आप काम पर नहीं जा रहे हैं? अंजलि ने पूछा। एक्चुअली आज मुझे कहीं और जाना है, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, हम एक साथ बाहर जाएंगे। अजय ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो उसके कमरे की सजावट के लिए लड़कियों के हॉस्टल जा रहे हैं। अंजलि ने सिर हिलाया, ओके। फिर उसने मैगजीन को देखा। उसने हल्के से शर्माते चेहरे को ढकने की कोशिश की। उसने सोचा कि जिस तरह उसने पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे वे मैरिड कपल थे। जल्दी ही हेड कुक ने आकर अंजलि को विश किया और उन्हें बताया कि ब्रेकफास्ट रेडी है। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अजय उसे लेकर बाहर निकला। वे वहां गए जहां वेजिटेबल गार्डन था। वहां उन्होंने एक आदमी को काली टी शर्ट, काले चश्मे और पैंट में देखा। वो वहां दो जर्मन शेफर्ड के साथ खड़ा था। अजय और अंजलि को आते देख उन डॉग्स ने भौंकना शुरू कर दिया और उनकी ओर दौड़े। अंजलि वहीं फ्रीज हो गई। वो डर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अलर्ट थी। सबसे पहले वो डॉग्स अजय पर कूदे और उसके हाथ को चाट लिया। तब उन्होंने अपना ध्यान अंजलि की तरफ कर दिया। जब उसने उन्हें शक की निगाह से देखा तो वह अजय के करीब हो गई। उसकी परेशानी को देखते हुए अजय ने उसकी कमर को हक किया और उसे क्लोज कर लिया। फिर उसने उन्हें अंजलि से इंट्रोड्यूस कराया। अंजलि, वो ऑस्कर और लूसी हैं, हस्बैंड और वाइफ है,
रिसेंटली लूसी ने ट्विंस को जन्म दिया है। लड़की का नाम लोला और लड़के का नाम नोहा है और वो 1 महीने के। वो आज वापस आ गए क्योंकि मैंने उन्हें इटली में मेरे परिवार के पास भेजा था जब मैंने सुना कि लूसी प्रेग्नेंट थी। क्योंकि मेरी दादी लूसी से प्यार करती है, वो पहले अनफ्रेंडली लगते हैं, उन्हें फ्रेंड बनाने के लिए आपको बस नील डाउन होना होगा, उन्हें अपनी प्यारी सी मुस्कान देनी होगी और उनके साथ अपना हाथ मिलाने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि अजय ने उसे बताया, अंजलि ने घुटने टेक दिए और थोड़ा मुस्कुराई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऑस्कर लूसी और उसके बीच आ गया। वो अपनी पत्नी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। बिहेव, अजय ने उसे वॉर्न किया। अपने मालिक की चेतावनी सुनकर ऑस्कर ने उसे प्यार से देखा और अंजलि के हाथ को सूंघ लिया। वो बुरी लड़की नहीं लगती, उन बेशरम लोगों की तरह जो मेरे मालिक को बहकाने की कोशिश करते हैं। ऑस्कर इंटेलिजेंट था। फिर उसने अपना हाथ मिलाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अपना पैर हिला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर आप मेरे ओनर के साथ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ से दूर रहना, ऑस्कर ने हंसते हुए सोचा। अंजलि बहुत खुश हो गई थी। उसने लूसी के साथ भी अपना हाथ मिलाया। जब अजय ने देखा कि वे अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा जो उनके साथ चल रहा था। काले रंग के कपड़ों में वह आदमी उनके पास आया और ग्रीट किया। अजय ने अंजलि से कहा, ये जय है, अब से वो आपका बॉडीगार्ड है। अंजलि हैरान थी। मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसने ऑब्जेक्ट किया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि राजीव ने आपको क्या बताया था। बताना है? अंजलि ने याद किया कि राजीव ने जाने से पहले उसे क्या बताया था। उसने कहा, नो यू डोंट।